और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि प्रदेश में नाथ संप्रदाय की 30 लाख से ज्यादा आबादी को लेकर ये खबर है। और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर 30 लाख से ज्यादा आबादी रहती है, तो ऐसे में कई सालों से प्रदेश के शहर और गांव में अंतिम संस्कार के लिए जमीन देने की ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ये मांग जल्द ही पूरी होने वाली है। प्रदेश में नाथ संप्रदाय की 30 लाख से ज्यादा आबादी कई सालों से प्रदेश के शहर और गांव में अंतिम संस्कार के लिए जमीन देने की मांग कर रही है। इस बारे में समाज ने सीएम राजे और यूडीएच मंत्री को ज्ञापन दिया है, तो संप्रदाय के राष्ट्रीय प्रमुख और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी संपर्क साधा। आपको बता दें कि नाथ संप्रदाय में अंतिम संस्कार की विशेष परंपरा है। दरअसल 1100 सदी में आराध्य गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। नाथ संप्रदाय में योगी, नाथ, जोगी, जंगम, रावल, पटवा, गिरी, पुरी, गोस्वामी, भारती और उपाध्याय शामिल हैं। प्रदेश में नाथ संप्रदाय की 30 लाख से ज्यादा आबादी है। भीलवाड़ा में ही नाथ संप्रदाय की करीब 1 लाख आबादी है। 900 साल से मरणोपरांत शरीर को समाधि देने की परंपरा चल रही है। समाधि से पहले डोली में शव यात्रा निकाली जाती है। जमीन पर गोल गड्ढा कर शव को बैठी हुई अवस्था में समाधि दी जाती है। अब तक संप्रदाय के संपन्न लोग अपनी ही भूमि पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। संप्रदाय के अधिकतर लोग भूमिहीन और कमजोर तबके से हैं। अंतिम संस्कार के लिए सरकार की ओर से कहीं भी भूमि आरक्षित नहीं है। संप्रदाय के लोगों को घर आंगन में शव को समाधि देनी पड़ रही है। शव की समाधि के बाद उस पर शिवलिंग की स्थापना की जाती है। खुद के घर आंगन में अंतिम संस्कार का आसपास के लोग विरोध करते हैं, तो कई बार आसपास के लोग कब्रिस्तान समझकर इन्हें प्रताड़ित करते हैं। इसी के चलते संप्रदाय के लोगों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिस तरह से सम्मान से जीना एक व्यक्ति का अधिकार है, उसी तरह मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार भी उसका मौलिक अधिकार है। प्रदेश का नाथ संप्रदाय बरसों से इस अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। जल्द ही सरकार की ओर से सभी जिला कलेक्टर्स और शहरी निकायों को ये निर्देश दिए जाएंगे कि अंतिम संस्कार की विशेष परंपरा को देखते हुए इस संप्रदाय के लिए शहरों में अलग से भूमि आरक्षित की जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।